आपको बता देते हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट जारी किया गया है। आपको बता दें कि 13 अन्य के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। सीबीआई ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर और देश छोड़ने पर अब लगी है रोक। सीबीआई ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर, देश छोड़ने पर लगी रोक। मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट जारी, 13 अन्य के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सीबीआई ने जारी किया लुकआउट सर्कुलर। और दिल्ली से एक और खबर आपको बता देते हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है, आपको बता दें कि आप उन्होंने लिखा है कि आपकी सारी रेड फेल हो गई है, सीबीआई को छापे में कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली, अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है। सिसोदिया ने आगे लिखा कि क्या मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा है, सीबीआई को छापे में कुछ नहीं मिला, ये ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया ने। एक पैसे की हेराफेरी नहीं हुई है और अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि आपको मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा है, यह ट्वीट किया है मनीष सिसोदिया ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, क्या कुछ जानकारी है? एक तरफ जहां सीबीआई की रेड डिप्टी सीएम के घर पर पड़ती है, उसके बाद डिप्टी सीएम अरविंद केजरीवाल दोनों ही ट्वीट करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। अब चूंकि लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी हो गया है, ऐसे में फिर मनीष सिसोदिया का ट्वीट आया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज जिस तरह से सीबीआई मनीष इस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने साफ किया था कि सीबीआई उन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है 3 से 4 दिन के अंदर। और सबसे बड़ी चीज है कि ये कोई मामला नहीं है, जिस तरह से 2024 का रण जो है वो नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है, उसे लेके ये बीजेपी कहीं ना कहीं रणनीति है, जिसके कहने पे सीबीआई चल रही है। और अब जो है मनीष सिसोदिया सहित 13 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, कहीं ना कहीं एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है कि अगर कार्रवाई है, अगर आपके पास सबूत है तो आप उन सबूतों को लेके आगे बढ़िए। और दूसरी चीज नंबर दो, अगर हम आम आदमी पार्टी में बात करें तो मनीष सिसोदिया की हैसियत नंबर दो है, अरविंद केजरीवाल दूसरा नाम, मनीष सिसोदिया है, और तमाम बड़े मंत्रालय जो है वो मनीष सिसोदिया के अंडर आते हैं। और यही बड़ी वजह है कि जो दिल्ली मॉडल लगातार जो है जिस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दिया गया है, और खासकर दिल्ली मॉडल जो है जिस तरह से प्रचलित हो रहा है, उसे खराब करने की, उसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल अमित जी, लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां डिप्टी सीएम और अरविंद केजरीवाल दोनों प्रेस माफ कीजिएगा ट्वीट करते हैं, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके बाद कई आरोप लगाए जाते हैं आम आदमी पार्टी पर। जी बिल्कुल, देखिए हम अगर खास तौर पे सूचना प्रसारण मंत्री की बात करें, खुद अनुराग ठाकुर जो है मैदान में उतरे और उन्होंने कई सारे सवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया पे दागे और तमाम सारे सवाल खड़े किए कि अगर आखिरकार की किस तरह से, अगर जो खास तौर जो नई आबकारी नीति है अगर वो सही थी तो उसे वापस क्यों लिया गया, लेकिन जिस तरह से चीजों का इम्प्लीमेंट होना चाहिए था उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आम आदमी पार्टी साफ तौर पर करिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि दिल्ली में कोई भी रूल्स जो भी चीजें आती है, कोई नीति आती है, तो उसे दिल्ली सरकार जब भेजती है तो उसके बाद एलजी उसे वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि जो एलजी है, तो अगर हमारी कोई भी नीति खराब है तो एलजी ने जो पहले कई नीतियां कई चीजें रिजेक्ट की हैं, तो इस नीति को क्यों नहीं रिजेक्ट नहीं किया, यानी उस समय खराब नहीं थी, अब जब कोई विकल्प जो है नहीं दिख रहा है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को रोका जाए तो बीजेपी इस तरह कार्रवाई करे। गुजरात का हवाला दिया है किस तरह से लोग जो है वो तमाम मर रहे हैं और वहां शराब बैन के बावजूद शराब किस तरह से बिक रही है बीजेपी की साठगांठ। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इसमें कहीं कोई दो राहें नहीं है। फिलहाल जो सर्कुलर लुकआउट नोटिस जो है वो खासतौर पर जारी किया गया है मनीष सिसोदिया सहित तमाम लोग
उसे लेके भी आम आदमी पार्टी यहाँ पूरी तरह कमलावर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, देखना होगा इसमें आगे क्या कुछ निकलता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको, मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।